लोकगीतों की खुशबू को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रही हैं। जी हम बात कर रहे हैं मालिनी अवस्थी की। सैया मिले लर कैया मैं का करूं, सैया मिले लर कैया मैं का करूं, 12 बरस की मैं ब्याह की आई, सैया चल पैया पैया मैं का करूं। माली जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो संगीत के प्रति लगाव है वो कैसे बढ़ा? क्या बचपन से था या फिर अचानक कोई ऐसी घटना हुई कि आपको लगा कि नहीं, संगीत की तरफ जाना चाहिए? नहीं, बचपन से था। मुझे लगता है मुझे अपने बचपन की या पूरी ज़िंदगी की जो पहली भी याददाश्त है उसमें ऐसा कुछ याद नहीं जब म्यूज़िक नहीं था ज़िंदगी में, हमेशा से था। तो आपने जो पहला लोकगीत था जी स्टेज परफॉर्मेंस कौन सा था? लोकगीत के स्टेज परफॉर्मेंस, हाँ मैं बता सकती हूँ। शायद मैं 10-11 साल की थी तब मैंने गाया होगा। बड़ा पूरब का बड़ा मशहूर दादरा है, सिद्धेश्वरी देवी जी गाती थी, सविता जी भी गाती हैं। सूरज मुख ना जाई बे हाय राम, बिंदिया का रंग उड़ा जाए हो मेरी, बिंदिया का रंग उड़ा जाए। सूरज मुख ना जाई बे हाय राम, बिंदिया का रंग उड़ा जाए हो मोरी, बिंदिया का रंग उड़ा जाए। लाख टका के मोरी बिंदिया, लाख टका के मोरी बिंदिया, समधी का जेहरा ललचाए के हाय राम, बिंदिया का रंग उड़ा जाए हो मोरी, बिंदिया का रंग उड़ा। उस समय समधी का मतलब नहीं पता था कि क्या होता है और ये बिंदिया का रंग क्यों उड़ा जा रहा है, ये भी अकल नहीं थी। लेकिन तब मैं बताऊं आपको, मैं राग ज़्यादा गाती थी, गज़लें गाती थी। लेकिन अब आप फिल्मों में गाती हैं। अब फिल्मों में गाती हूँ, इसके अलावा जो बात मैंने कहा मैंने एक तब्दीली की है, अब अपने स्टेज शोज़ में भी, ये बात आपने भी उत्तर प्रदेश की कही कि उत्तर प्रदेश के लोक संगीत को मैंने जगह जगह पहुँचाया, लेकिन जिन्होंने वाकई में बड़े बड़े पर्दे पर पहुँचाया ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स, उन्होंने जहाँ जहाँ फोक की खुशबू को फिल्मों में बड़े सही तरीके से इस्तेमाल किया, उन गानों को मैं पेश करती हूँ, क्योंकि आप समझ सकें ऑडियंस 25 साल का लड़का भी है वो भी जान के कद्र करे कि ये जो गाने इतने बड़े बेशुमार हिट हैं वो इसलिए हैं क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं बनारस की, जौनपुर की, इलाहाबाद की, कानपुर की तड़क है। फिल्मों में फोक के साथ वेस्टर्न का तड़का लगा दिया जाता है, तो वो उसको एक प्योर फॉर्म में नहीं लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, तो वो कितना सही मानते हैं आप? जो आजकल लोग कहते हैं आइटम गाने फोक के लिए यूज़ किए जाते हैं फिल्मों में, वो शो भी शुरू में था। आप शुरू से देख लें, यदि कोई भी एक जिसको आप बोलें कमर्शियल गीत था जिस पर कि गाना, हालांकि पहले तो गाने की कहानी स्टोरी ऐसी होती थी फिल्म की वो हिट करा देती थी। आज मेजॉरिटी म्यूज़िक डायरेक्टर्स की उम्र 28 से लेकर 35 के बीच में है जो सक्सेसफुल हैं, करेक्ट? और ये सब लोग, इनका गांव से कोई नाता नहीं है। फोक की जहाँ तक बात है तो वही वाली बात है, जिसने पनघट नहीं देखा, जिसने गांव के झोपड़े में बैठ करके औरतों को घूंघट करते नहीं देखा, वो